अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, स्टिचिंग विद आयशा के साथ मैं हूं आपके साथ आयशा। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का, दामन का और स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। इसके लिए सबसे पहले तो मेरे पास जो है ये एंकर थ्रेड है, ये मैंने दो कलर्स के लिए हैं और दो कलर्स के लेके ये डबल धागा करके मैंने इसको बाबिन में फिरकी में भर लिया है। ठीक है, ये दो कलर मैंने एक साथ लिए थे और एक एंकर थ्रेड जो है वो मेरे पास इस कलर का है, कलर आपको नजर आ रहा होगा। इनसे जो है वो मैं अपने दामन का, नेक का और स्लीव का डिजाइन बनाऊंगी। उसके अलावा मेरे पास ये नेक की पट्टी मैंने काट के रखी हुई है, ये तकरीबन 10 इंचेस जो है वो लंबी है और तकरीबन एक से सवा एक इंच जो है वो ये इसकी चौड़ाई में है। इसके ऊपर जो है वो मैं इसे डिजाइनिंग करूंगी। उसके अलावा मेरे पास ये दामन की पट्टी है, इसको मैंने डबल कपड़ा रख करके रखा हुआ है, यहाँ पे डिजाइनिंग होगी। उसके बाद मैं डबल कपड़े को यहाँ से पलट के फिर इसको दामन के ऊपर अटैच करूंगी। स्लीव्स के ऊपर भी हम ऐसे ही डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले जो नेक की पट्टी मैंने काट के रखी हुई है उसको अटैच किया हुआ है मैंने कपड़े के ऊपर। इस ये मैंने बाबिन लगा के पहले, ठीक है, ये वाली बाबिन लगा के इससे पहले मैं इसके ऊपर जो है वो डिजाइनिंग करूंगी। उसके बाद मैं ये वाली बाबिन लगा के फिर इससे जो है वो हम इसके ऊपर क्रॉस में जो है वो डिजाइनिंग करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये पट्टी जो है वो मैंने पूरी अपनी बना ली है। एक साइड से जो है वो मैंने इस वाले कलर से लगाया है और दूसरे वाले साइड से मैंने डबल कलर से इसको सिलाई लगाई है। ठीक है, ये मेरे दामन की पट्टी है। मेरी शर्ट जो थी वो तकरीबन मुझे छोटी हो रही थी, 1 से 1.5 इंच, तो मैंने ये इस तरह से बनाया है कि नीचे की तरफ मैं इसको दामन पर रख के लगाऊंगी और ये नीचे की तरफ आएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक के तौर पर। ठीक है, और ये मेरी जो है वो नेक की पट्टी है, ये आपके सामने मैंने सिलाई लगाई है ये। ठीक है, उसके बाद ये मेरा नेक है फ्रंट का, ये बैक का, इनको जो है वो मैं अटैच करूंगी। उसके अलावा ये मेरी जो है वो स्लीव्स हैं। ठीक है, स्लीव्स के आगे ये जोड़ के तौर पे कपड़ा लगेगा। यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बुकरम लगाई है, इस बुकरम के ऊपर भी मैं 3 जो है वो लाइनें लगाऊंगी बिल्कुल इसी की, ये जो एंकर थ्रेड हमने लगाया था इसका। मेरे दोनों स्लीव्स पे जो है वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन जो है वो लगाऊंगी। उसके बाद ये मेरी फ्रंट साइड है, ठीक है, शर्ट की। यहाँ पे मैंने तकरीबन 11-11 इंच का ये दो पीस लिए हैं बुकरम के, दोनों साइड्स पे मैंने लगा दिए हैं। दरमियान करके बिल्कुल मैंने इसमें आपको निशान नज़र आ रहा होगा, ब्लू कलर से दरमियान का निशान लगाया है। इसके ऊपर भी जो है मैं एंकर थ्रेड से सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे तक। ठीक है, उसके बाद दूसरी सिलाई लगाऊंगी, वो थोड़ा सा ऊपर ला के ख़त्म करूंगी, फिर तीसरी लगाऊंगी, वो उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर ले जाके ख़त्म करती हूँ। अभी मैं आपको सामने करती हूँ सब, आप भी देखें।
ये देखें व्यूवर्स, ये मेरी नेक की पट्टी ये मैंने अटैच कर ली है। उसके अलावा ये जो सिलाइयाँ मैंने आपके सामने लगाई थी, इसके एंड पे मैंने एक एक बिल्कुल छोटा पर्ल अटैच किया है। फ्रंट और बैक का गला मेरा बिल्कुल रेडी है। और ये मेरी स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर मैंने बिल्कुल इसको सीधी सीधी ही सिलाइयाँ लगाई हैं। उसके बाद ये मेरा दामन है, ये देखें सिलने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।